नवरात्रि के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले फलहार और आटे जैसी चीजों में की जा रही मिलावट। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इनका सैंपल भर जांच के लिए भेज दिया गया। व्रत में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री मिलावट मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एडीएम कोर्ट में जुर्माना लगाए जाने की प्रोसेसिंग शुरू कर दी। दरअसल बता दें कि पिछले वर्ष नवरात्रि के दौरान ही जिले भर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर सैंपल भरे थे। सैंपल में 24 नमूने मिलावटी पाए गए थे। 24 में से 3 नमूने जो व्रत में इस्तेमाल किए जाते हैं, व्रत में खाए जाते हैं। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी 24 नमूने में से जुड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर जुर्माना लगाए जाने के लिए एडीएम कोर्ट में मामले में भेज जाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सर, मिलावट के खिलाफ कार्रवाई में इस महीने कुल कितने मुकदमे आपकी तरफ से दर्ज और कौन कौन है? सितंबर महीने में एडजुडिकेशन में न्याय निर्णयन अधिकारी के कोर्ट में कुल 23 मुकदमे दाखिल किए गए और एक मुकदमा ACJM न्यायालय में दाखिल हुआ। कुल इस तरह कुल 24 मुकदमे सितंबर महीने में दाखिल हुए। ये सितंबर महीने में दाखिल होने वाले जो मुकदमे हैं, इसके नमूने रफली पिछले साल त्योहारों के सीज़न में अक्टूबर एवं नवंबर में लिए गए थे, जिसमें साबूदाना तेल या व्रत में प्रयोग किए जाने वाले फलाहार सामग्री, ड्राई फ्रूट्स ये सब और कुछ मिठाइयाँ के थे। अब क्या आगे होगा इनके साथ? आगे जो एडजुडिकेशन में गया है मुकदमा, 23 मुकदमे दाखिल किए गए हैं, उस पर ADM प्रशासन महोदय सुनवाई करेंगे और अपने विवेक के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत जो एक्ट में विहित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए एवं एक्ट के धारा 49 के अंतर्गत वो मैग्नीट्यूड निश्चित करेंगे कि किस पर कितना पेनाल्टी लगाया जाए।